नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सहित देश के 13 राज्यों के राज्यपाल बदले। जमीन के दाखिल खारिज में सुस्ती को लेकर बिहार सरकार हुई सख्त। जल्द शुरू होगी 689 पदों पर सिपाहियों की भर्ती। शर्मिला टैगोर और मनोज वाजपेयी स्टारर गुलमोहर का ट्रेलर हुआ रिलीज। भारत WTC फाइनल में स्थान सुनिश्चित करने के करीब पहुंचा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सहित देश के 13 राज्यों के राज्यपाल बदले। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अधिसूचना जारी कर बिहार समेत देश के 13 राज्यों के राज्यपाल को बदल दिए गए हैं। बता दें कि बिहार के नए राज्यपाल के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेरकर को नियुक्त किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भगत सिंह कोश्यारी, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल, सिक्किम के राज्यपाल के रूप में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, CP राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल, असम के राज्यपाल के रूप में गुलाब चंद कटारिया, न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मणिपुर की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके, नागालैंड का राज्यपाल ला गणेशन, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल, रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल और ब्रिगेडियर BD मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। सिपाही बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती में कदाचार को रोकने के लिए नई नई तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। इसी के तहत सिपाही बहाली प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है। बता दें कि इस बारे में बिहार के पूर्व DGP और वर्तमान में केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी गई है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में सभी उम्मीदवारों को अब तीनों स्तर पर थंब इम्प्रेशन के साथ फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। उनका डाटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि किसी भी तरह के कदाचार को रोका जा सके। आगामी होने वाली परीक्षाओं में रिटर्न फिजिकल के साथ साथ मेडिकल में भी थंब इम्प्रेशन और फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लागू रहेगा। जमीन के दाखिल खारिज में सुस्ती को लेकर बिहार सरकार हुई सख्त। दाखिल खारिज में सुस्ती को लेकर और समय से निष्पादन नहीं किए जाने को लेकर बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए सख्ती बरती गई है। बता दें कि विभाग के द्वारा जिला पदाधिकारियों से इससे संबंधित रिपोर्ट की तलब की गई है। विभाग के सचिव जय सिंह के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा है और उनसे लापरवाह अधिकारियों की रिपोर्ट मांगी गई है। पत्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि भविष्य में अगर दाखिल खारिज आवेदनों को बिना स्पष्ट कारण के अस्वीकृत किया जाता है या तय सीमा से अधिक समय लगाया जाता है तो उसके जिम्मेदार कर्मियों व पदाधिकारी को चिन्हित कर उन्हें दंडित किया जाएगा। वहीं इस बारे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता का कहना है कि राज्य भर के पिछले कुछ समय से दाखिल खारिज से जुड़े मामलों की शिकायत सामने आ रही थी और कहा जा रहा था कि अंचल पदाधिकारियों के द्वारा दाखिल खारिज में मनमानी की जाती है, जिसके बाद विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है ताकि इससे संबंधित कार्य को पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ सुनिश्चित किया जा सके। हर भारतीय की थाली में बिहारी व्यंजन पहुंचाने की होगी तैयारी। बिहार में 1 अप्रैल से 4th कृषि रोड मैप को लागू किया जाएगा, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 फरवरी को बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में करीब 4000 किसानों से फीडबैक लेंगे। बता दें कि 4th कृषि रोड मैप की तैयारी मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार मंगला राय की देखरेख में की जा रही है, जो कि अब अंतिम चरण में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4th कृषि रोड मैप को लागू करने से बिहार के किसानों की आय बढ़ेगी और साथ ही साथ इस रोड मैप की मदद से देश की हर थाली में बिहार के व्यंजन को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। 4th कृषि रोड मैप में गया में सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की जाने की तैयारी की जा रही है, जहां मिट्टी और जल संरक्षण पर अनुसंधान किया जाएगा। बता दें कृषि के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाया जा सके, इसलिए कृषि को उद्योग से भी जोड़ा जाने वाला है। होली पर पटना से दिल्ली, पुणे और मुंबई के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेनें। होली आने वाली है और ऐसे में रोजगार की तलाश में अधिकांश लोग बिहार छोड़कर जो दूसरे राज्य जाते हैं, वह होली आने पर होली मनाने के लिए अपने घर वापस आते हैं, जिस वजह से ट्रेनों में भीड़ हो जाती है और लोगों को टिकट लेने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो ऐसा होता है कि उनके हाथ टिकट नहीं लग पाता। इसी को देखते हुए रेलवे के द्वारा होली स्पेशल ट्रेन के परिचालन की शुरुआत की जा रही है। बता दें कि रेलवे के द्वारा जिन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया है उसमें पटना से आनंद विहार, मुजफ्फरपुर से यशवंतपुर, बरौनी से पुणे तथा जयनगर से मुंबई स्पेशल ट्रेन शामिल है। मालूम हो कि इन ट्रेनों का परिचालन 9 मार्च से शुरू होगा, जो कि 28 मार्च तक रहेगा। जल्द शुरू होगी 689 पदों पर सिपाहियों की भर्ती। अगर आप भी बिहार पुलिस में सिपाही बनने का सपना रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर SK सिंघल के द्वारा पुलिस मुख्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए यह कहा गया है कि बहुत जल्द ही उत्पाद विभाग के अंतर्गत सिपाही बहाली की प्रक्रिया 689 पदों के लिए शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि विज्ञापन जारी करने के 3 महीने में सिपाहियों की भर्ती होगी। पुलिस महकमा में सिपाही और इसके समक्ष पदों पर बहाली की सभी प्रक्रियाएं किसी भी हाल में 3 महीने में पूरी कर ली जाएगी।
जाएगी। उसके बाद आने वाले समय में और भी पुलिस विभाग में बंपर बहाली की जाएगी। बता दें कि इस बैठक में उन्होंने छात्रों को केवल मेहनत करने की सलाह दी। वहीं इस दौरान बैठक में एसके सिंघल के साथ ओएसडी आरके बैठा समेत कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बिहार में बढ़ सकती है बिजली की दर। बहुत जल्दी बिहार में बिजली की दर बढ़ सकती है और साथ ही रेलवे सहित बड़ी कंपनियों को खुले बाजार में बिजली की खरीद डेढ़ गुना तक अधिक बिजली दर के साथ ही बढ़ी हुई क्रॉस सब्सिडी का भुगतान करना पड़ सकता है, क्योंकि बिजली आपूर्ति कंपनियां साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग को ओपन एक्सेस व्हीलिंग चार्ज और क्रॉस सब्सिडी के रूप में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि बिजली कंपनियों के द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव पर विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बिजली कंपनी सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में 33 केवी लाइन पर चार्ज 47.22 पैसे प्रति किलो वॉट है, जिसे बढ़ाकर 60 पैसे प्रति किलो वॉट किए जाने का प्रस्ताव बिजली कंपनियों के द्वारा बिहार विद्युत विनियामक आयोग को दिया गया है। इसी तरह 11 केवी लाइन पर व्हीलिंग चार्ज 51.29 पैसा प्रति किलो वॉट है, जिसे बढ़ाकर 63 पैसा प्रति किलो वॉट करने का प्रस्ताव दिया गया है। पटना में शराब तस्कर दंपति का खुलासा। इससे तो सभी वाकिफ है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन किसी न किसी शराब तस्कर की गिरफ्तारी जरूर की जाती है। बता दें कि ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना के इंदिरा नगर रोड का है, जहां शराब तस्कर दंपति का खुलासा किया गया है। दरअसल जब पुलिस की टीम के द्वारा इंदिरा नगर रोड स्थित एक आवास में छापेमारी की गई तो 604 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। वह इस मामले पर पुलिस के द्वारा आगे छानबीन करने पर यह बात सामने आई है कि शराब तस्करी में पति के साथ पत्नी भी शामिल थी। हालांकि छापेमारी करने के दौरान पति फरार होने में सफल हो गया, लेकिन पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान जूली कुमारी के रूप में की गई है। पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह दंपति होली के मौके पर शराब की तस्करी करने वाले थे। फिलहाल अभी पुलिस महिला के फरार पति की तलाश में जुटी हुई है। शर्मिला टैगोर और मनोज वाजपेयी स्टारर गुलमोहर का ट्रेलर हुआ रिलीज। पद्म भूषण और नेशनल अवार्ड विनर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और मनोज वाजपेयी स्टारर फिल्म गुलमोहर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ट्रेलर में फिल्म की कहानी को जो दिखाया गया है उससे यह पता चलता है कि यह फिल्म बहु पीढ़ी के बत्रा परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने 34 साल पुराने परिवार के घर गुलमोहर से बाहर निकलकर अपने जीवन में बदलाव के उन बंधनों को फिर से खोज रही है जो उन्हें एक साथ रखा है। यह फिल्म राहुल चितेरा और अर्पिता मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। वहीं अगर इस फिल्म में काम करने वाले कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में मनोज वाजपेयी, वेटरन एक्टर अमोल पालेकर, सूरज शर्मा और एक्ट्रेस सिमरन ऋषि बग्गा खास भूमिका में नजर आएंगी। आप इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने के बाद देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह फिल्म 3 मार्च 2023 को रिलीज की जा रही है। लालू यादव दिल्ली में बेटी मीशा के आवास पर रहेंगे। बीते दिन राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से वापस अपने देश लौट आए हैं। बता दी कि फिलहाल वे दिल्ली में हैं और वह अपनी बेटी डॉक्टर मीशा भारती के घर रहने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 5 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर के एलिजाबेथ अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण किया गया था और फिलहाल वे दिल्ली में ही चिकित्सकों की देखरेख में रहेंगे। अगर लालू यादव के बिहार की राजधानी पटना आने की बात की जाए तो इसे लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है और न ही कोई तारीख बताई गई है कि किस दिन वे पटना वापस आ सकते हैं। पटना के गंगा घाट पर सुबह और शाम की सैर होगी सुहावनी। नगर आयुक्त अवनीश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब लोगों को गंगा घाट पर सैर करना और भी सुहावना होने वाला है, क्योंकि अब उन्हें सुबह और शाम गंगा घाट पर सैर करने के दौरान लाउडस्पीकर पर मधुर संगीत की हल्की धुन भी सुनाई देगी। इसके अलावा गंगा घाट को साफ सुथरा रखा जा सके इसलिए सभी जगह डस्टबिन का भी प्रबंध करवाया जा रहा है और साथ ही QR कोड भी लगाया जा रहा है, ताकि यह पता किया जा सके कि डस्टबिन की हर दिन सफाई की जा रही है या नहीं। इसके साथ ही मंगलवार से घाटों पर फ्री हेल्थ कैंप भी लगाए जाएंगे, जहां लोग जाकर मुफ्त में अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। बता दें कि यह हेल्थ कैंप रोज 5 घंटे के लिए लगाया जाएगा। अवनीश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सफाई कर्मियों को पूरी तरह जागरूक करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि आगे से सफाई कर्मियों के जन्मदिन के मौके पर कचरा पॉइंट पर ही केक काटा जाएगा। आनंद मोहन की मां गीता देवी ने सीएम नीतीश से की अपील। बिहार के सहरसा जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन की बेटी शुरभि आनंद की 15 फरवरी को पटना में शादी होने वाली है। ऐसे में इस खुशी के माहौल में आनंद मोहन की मां गीता देवी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की गई है। उन्होंने कहा कि घर में बहुत खुशी का माहौल है, मैं भी बहुत खुश हूं। घर में खूब गीत हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर पोता पोती के शादी में हम सब खुश नहीं होंगे तो फिर कौन होगा। इसके साथ ही उन्होंने जेल में बंद आनंद मोहन को लेकर अपना दर्द को बयां करते हुए कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे बेटे आनंद मोहन को पूर्ण तरीके से रिहाई मिल जाए। नीतीश कुमार ने ही उसे जेल भिजवाया था और उसे वही बाहर निकालेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश को मैंने अपना बड़ा बेटा माना है, वह मेरी बातों को जरूर मानेंगे। मांझी की गरीब संपर्क यात्रा की नवादा से शुरुआत।
आज से पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी के नेतृत्व में उनकी गरीब संपर्क यात्रा की शुरुआत मगध क्षेत्र नवादा के कौवाकोट प्रखंड अंतर्गत सेखो देवरा स्थित जेपी आश्रम से हो गई है। बता दी कि उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद की। जीतनराम मांझी रेलवे गुमटी से प्रजातंत्र चौक तक पैदल यात्रा करते हुए विभिन्न प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे। इसके अलावा गोला रोड वैश्य समाज के चौक पर माल्यार्पण और नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा। बुंदेलखंड विजय पेट्रोल पंप होते हुए रजौली के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां बड़े मोड़, फतेहपुर मोड़, अंधरवाड़ी मोड़ में स्वागत किया जाएगा। इसके बाद शाम 5:30 बजे रजौली चौक पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा। रात में सिरदला में ही सभी लोग विश्राम करेंगे। भारत WTC फाइनल में स्थान सुनिश्चित करने के करीब पहुंचा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच भारत ने एक पारी व 132 रन से जीत लिया। इस जीत के बाद भारतीय टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल में फायदा हुआ है और साथ ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल में स्थान पक्का करने के करीब पहुंच गया है। बता दें कि इस जीत से दूसरे नंबर पर काबिज भारत के 61.67% अंक है, जबकि नंबर एक ऑस्ट्रेलिया के 70.83% अंक है। भारत को 62.50 न्यूनतम अंक प्रतिशत हासिल करने के लिए सीरीज के बचे हुए 3 में से 2 मैचों में जीत हासिल करना होगा, जिससे तीसरे स्थान पर चल रही श्रीलंका की टीम इस सूची से बाहर हो जाए। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कमलेश शर्मा, रंजीत मिश्रा, नुशरत बनो, कुश कुमार यादव, बाबूलाल मरांडी, सानिया प्रवीण, सैलजा कुशवाहा, चंदन कुमार, अखिलेश यादव, मुटू रंगेला, नुन्नू गोलू कुमार, अनवर करीम खान, शंकर मुखिया, मोहम्मद नौशद राजा, रविशंकर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका मन पसंदीदा बिहारी व्यंजन कौन सा है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।